काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे PLC की प्रोग्रामिंग सीखनी है या फिर मैं सीख चुका हूं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि ये देखो ये PLC ही है ना, और ये पूरे पैनल का ये एक PLC है। जिन्होंने PLC नहीं देखा तो देख लो, अगर इस PLC में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम सीधे उसे रिप्लेस कर देते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। PLC में कोई फॉल्ट आता है PLC रिप्लेस करो, तो पहली बात तो फॉल्ट इसमें आती नहीं है सालों साल तक, और इसे यदि कुछ प्रोग्राम मुझे करना भी है तो इसका HMI साथ में आता है। HMI यानी ये देखो इन बटन से मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, है ना, सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल जैसे मोबाइल में हम कोई चीज़ सेट करते हैं। अगर जानना है तो इन पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस जगह से प्रॉब्लम मुझे कैसे ढूंढना है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ढूंढना है, इस पर वर्क करो, इसकी स्टडी करो, ड्राइंग सीखो।